फिर मैं मैंने कर लिया पूजा। देखो मेरे लिए क्या लाए, वाओ। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू खुशी नू ब्लॉग। तो गाइज आज हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज है हमारा स्पेशल डे क्योंकि है आज भाभी का बर्थडे। तो आज हम लोग सारे लोग बहुत खुश है, और अभी भाभी सुबह सुबह गई है बाबा मंदिर पूजा करने के लिए। देखते हैं उनका पूजा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बाबा मंदिर में तो जनरली भीड़ ही रहता है, बट मे बी पूजा हो जाए क्योंकि दिवाली का समय है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत घर का क्लीनिंग करने के लिए, उसके बाद फिर आहाना को तैयार करते हैं, एंड उसके बाद जल्दी से सारा काम निपटा के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर मस्ती करेंगे। ओके तो चलते हैं। मैं आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर में मैंने कर लिया पूजा महादेव का। बहुत दिन के बाद हमको ये मौका मिला कि महादेव को एक बार नहीं, हम पांच बार छूकर पूजा के लिए नहीं। हम देवघर गए हैं और पांच बार हम पूजा किए। मतलब आई कैन बिलीव दिस कि हम बाबा को पांच बार, आज तक बच्चे से हम पांच बार कभी बाबा को नहीं छुए थे, पहली बार हम बाबा को पांच बार छुए। और देखो बाबा मंदिर, हर हर महादेव, ये रही मैया पार्वती और समस्त देवी देवता। मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद मैं सबको बताई, सबको जलाई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरी पूजा हुई बाबा की इतनी अच्छे से। मतलब दो सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट भी कोई नहीं रुकने देता था बाबा मंदिर के अंदर, और आज हम लगता है कि 10 मिनट तक बाबा के दरबार के अंदर, मंदिर मतलब मंदिर के अंदर बाबा जहाँ विराजमान है वहाँ हम खड़े रहे। मेरा स्टूडेंट बहुत उनको हेल्प किया, मतलब बहुत अच्छे से पूजा किए, और आने के बाद ये बोले कि चलो सबको पता चल गया मेरे घर में। मैं सबको फोन करके बोली कि सबको जाना बाबा का पूजा करने, अभी दो तीन दिन आप पूजा कर सकते हो। तो जो भी मेरे देवघर वासियों हैं, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो जा सकते हैं बाबा का पूजा करने के लिए, क्योंकि अब ऐसा हाल हो गया ना कि देवघर में पूजा करना बाबा का बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अब बहुत भीड़ लगती है, पहले वाला बात नहीं रहा अब यहाँ पर। तो अभी हम आ गए हैं घर, और घर आ गए हैं, और ये मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। अभी क्या लाए हैं मेरे लिए ये आपको हम दिखलाते हैं। देखो मेरे लिए क्या लाए, वाओ, मेरा फेवरेट इडली। इनको पता है कि मेरे को इडली बहुत पसंद है, डोसा से ज़्यादा इडली मैं पसंद करती हूँ, और ये मेरे लिए आज नाश्ता मिलेगा। मतलब आज का शुरुआत बहुत अच्छे से हुआ है। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के 3, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट भाभी को लेके उनका बर्थडे के लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग करवाने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बताइए कि कल दिवाली भी है, तो हम लोगों को दिवाली का भी बहुत सारा सामान लेना है, कल पूजा का भी सामान लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पूजा का सामान सारा ले आएंगे, उसके बाद फिर भाभी के लिए गिफ्ट भी लेंगे। तो अभी फिलहाल भाभी रेडी हो रही है और हम लोग निकलते हैं। आयांस को हम लोग दीदी के यहाँ पे, आयांस को हम लोग दीदी के यहाँ पे छोड़ देंगे। आज हम लोग भाभी को भाभी नहीं बोलेंगे, आज हम लोग भाभी का नाम रखे हैं हैप्पी बर्थडे। तो समझा टूटू, आज मम्मी मत बोलना, आज हम लोग भाभी को क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो अभी चलिए दिखाते हैं आप। तो ये देखिए गाइस, हैप्पी बर्थडे रेडी हो चुकी है। चलिए बर्थडे सुबह से ही रेडी है, बट कुछ नहीं, कपड़े वही है, कुछ नहीं। आज हम लोग आपको हैप्पी बर्थडे बुलाएंगे दिन भर। हाँ देखो ये क्या किया श्रुति के साथ, पैर में लग गया, लगा कुछ हुआ नहीं। अरे क्या यार, मेरा बर्थडे कैसा है यार, कल रात को उसको लग गया, अभी तुमको लग गया। आयान सॉरी, आयान मामा को अच्छा से सॉरी बोलो। हैं ऐसे कौन बोलता है, कल ऐसे ही अंकु से भी दीदी को चोट लग गया था, इस साइकिल से चोट लगता है। जब कोई खड़ा रहे ना, वो तो शुक्र मनाओ आयान, वो तो शुक्र मनाओ छोटी मम्मी थी, मना हम रहते तो क्या करते, चोट लगता है तो थोड़ा वो वाला हो जाता है, अभी बच गए बल्ले। चलो आज तुमको इसको दीदी क्या छोड़ देंगे, चलो दीदी क्या, चलो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गोभी और ये प्रसाद का फल ले रहे हैं, और हम अपने बैग से फोन निकाल रहे थे, तो भाभी बोलती पैसा हम दे दिए, मतलब पैसा दे भी नहीं रहे थे। मेरा कॉपर्ट हो गया, आपका कितना हुआ, 90 रुपया। तो
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर, और एक्चुअली में हम लोग को घर वापस आना पड़ा था क्योंकि 5 बज गए थे तो इनको जिम जाना था, तो वापस हम लोग घर आए, फिर आहाना को लेके दीदी के पास ड्रॉप किया, फिर से मार्केट गया, तो वापस से दोबारा घर आने में हम लोग को बच गया है 7:30। और अभी हम लोग थोड़ी देर चाय वाय पी के रेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ क्लीनिंग कर लेंगे, कल की तैयारी जो है वो सब करना शुरू कर देंगे। और आहाना फिर से बाहर चली गई है, तो अभी फटाफट से क्लीनिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हम लोग क्या क्या। तो गाइज देखिए मेरे हाथ में झाड़ू है, बर्थडे के दिन सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक पूरा काम हुआ है, मतलब आपको बता नहीं सकते। 5 दिन से तो काम चल ही रहा था, आज के दिन बर्थडे के दिन भी देखो एक तरफ का आईलाइनर मेरा गायब हो गया, और अभी लोग फोन करके बोले कि तुम लोग तैयार हो, तो गाइस हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं। तो गाइस हल्का फुल्का आपको देखने को मिल ही गया होगा कि हम लोगों का जो मार्केट से आने के बाद फिर हम लोग एक कप चाय पिए, और चाय पीने के बाद फिर हम लोग लग गए काम में। आज ही अपने घर के पूरे सजा लिए हैं, लेकिन दिखलाएंगे कल, आज नहीं दिखा सकते हैं। तो आज जो आपको देखना है बस वही देखिए, कल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे श्रुति जो है अपना ये सब सामान लेके जा रही है, अब रूम में सजाना है। यहाँ वाला हो गया सारा काम, हम लोग कल का बर्डन पर आज कम कर लिए हैं क्योंकि कल बहुत काम है, एक्स्ट्रा काम है, तो इसलिए कल इतना ओवरलोड हो जाता है ना, इसलिए आज हम लोग थोड़ा कम किए, तो हल्का फुल्का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरा मत देखिएगा। फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग तैयार होने के लिए, वैसे भी हम लोग दो लड़की को तैयार होने, जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। अरे बाप। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, और ये देखिए बर्थडे गर्ल भी रेडी हो चुकी है, और ये सारी जो हम पहले आपको बताएंगे, तो पहले प्लान चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में, और हम लोग जो होटल में आए हुए हैं वो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, और देवघर का बेस्ट होटल है, अभी न्यू ही बना है। देख रहे हो, मतलब जब बन रहा था ना तभी हम सोचे थे यहाँ पे आएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर आएंगे इतना जल्दी। आज पहली बार घुस रहे हैं, देखते हैं कि चाय लोग सरप्राइज करके रखा रात को 11 बजे। और आपको बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट वगैरह भी कैसा है। चलिए अंदर। हमारा ऑर्डर हो गया है और सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, और हम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है। तो गाइज ये देखिए हमारा केक आ गया है, और लाने के चक्कर में थोड़ा सा घसा गया, तो इसको इधर लगा देते हैं। जल गया है, और ये देखिए ये आपको फूकना नहीं है, ये हो गया पोज, अब फोटो नहीं खींचा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी थोड़ा सा केक ले लिया क्योंकि कल तो खा नहीं पाएंगे, कल तो हम लोग का फास्टिंग रहेगा, मतलब दिन भर जब तक पूजा नहीं हो तब तक तो हो गई। और हमारा यहाँ पे आ गया है मेन कोर्स, और यह क्या ऑर्डर किए, ये
पनीर, ये है पनीर कढ़ाई, अच्छा पनीर बटर मसाला, दिस इज तंदूरी रोटी, दिस इज अनियन सैलेड, दिस इज ग्रीन चटनी, और दिस इज पापड़, दिस इज व्हाट वी हैव व्हाट ऑलरेडी सेड, बस दिस इज केक, यस दिस इज केक। तो यहाँ पे ना ये सबका पास कर दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे फ्राइड राइस भी आ गया हमारा। तो गाइस अब मैं खा के बताती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है? तो एक जगह खा के बताते हैं आपको जैसे से क्या खाए। वैसे तो मेरा मंचूरियन नहीं आया, मेरा फेवरेट आ गया, मेरा मंचूरियन भी आ गया, शाही पनीर खाया है। बेस्ट पनीर मसाला, ये पनीर मसाला ना वो भी खा के बताते हैं। ठीक है इसको 9 देंगे, उसको 10 देंगे। तो गाइस ये मंचूरियन भी आ गया है और इसको भी लेते हैं और देखते हैं, ठीक है? रुचि के कर्ज में कैसे उतरूंगा, आंखों में आंसू आ गए। तो गाइज हमारा डिनर हो गया है और आयांश जो है वो डिनर के बीच में अपना रोटी उठा के छोटे पापा को दे दिया था, जिसका कर्ज छोटे पापा अदा नहीं कर पा रहे हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए भाभी का भी अभी डेजर्ट चल रहा है, जो उनका बर्थडे का केक था, और हमारा भी इंजॉय कर रही है बर्थडे के केक को। क्या श्रुति क्यों खा रही हो, श्रुति क्यों खा रही हो? जिम में एक बंदा है वो जिम आता है, तो सजेस्ट कर रहा था कि भैया ग्रैंड सोना आप जाओ, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और लग्जरी वाइज भी बेस्ट है, 5-star होटल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इससे पहले वो मैगनम जाते थे, मैगनम बेस्ट हुआ करता था, बट उसके बोलने पर हम लोग ग्रैंड सोना आउट किए। आई स्वेयर डिजाइन आपको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो एक अच्छा सा, अगर आपको नाइट स्पेंड करना है या आउटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ है स्विमिंग वगैरह। एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, ऑसम, बाप रे यहाँ पे दोनों खेल रही है, देखो देखो, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक रेपी देना चाह रहा हूँ अभी कि अगर किसी को अगर बजट फ्रेंडली काटना है तो उसको यहाँ लेके जस्ट ओनली। गाइस हम लोग निकल रहे हैं, ओ वाओ यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली बनी हुई है, जो कोई बिगाड़ भी दिया है। एंड बाय बाय ग्रैंड सोना, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी घर आते आते हम लोग को 12 बज गया है, और ये देखिए भाभी जो है वो तैयारी कर रही है यम दिया की। अब ये यम दिया मेरे घर से निकल रहा है, रात के 12:03 हो रहे हैं। तो गाइस यम भी घर से निकल गए हैं हमारे, और अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए। ग्रैंड सोना के बारे में बात और भी बोल देते हैं हम, कि बाकी सब चीज तो ठीक था लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और तो 4-star है तो थोड़ा एक्सपेंसिव, 4-star है, 4-star है, बाकी सब चीज बहुत अच्छा है। और एक बार जाना जरूर ट्राई करना, हर चीज को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और अभी तक में मतलब खाना इसका अच्छा लगा, ठीक है? खाना इसका तो एक बार जरूर जाना हम लोग के कहने पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।